हेलो एंड वेलकम ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना चाहते हैं और अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे और आपको करंट अफेयर्स से रूबरू कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होता है। कंटेंट तो हम बहुत पढ़ लेते हैं पर हमें क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं अटेम्प्ट करने के लिए बुक्स में, तो क्या होता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस के वजह से क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में छूट जाते हैं, जिससे हमारा मार्क्स वैरी हो जाता है और हम रैंक नहीं लेके आ पाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए। और चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, नेम द ओनली इंडियन सिटी टू गेट रिओर्गनाइज्ड एज अ 223 सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी के बच्चों के लिए, विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय शहर का नाम बताइए। इसका आंसर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वन द वुमेन्स सिंगल्स इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल जीता। इसका आंसर है नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ कर्नाटका विल होस्ट द डैश एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन 2021। हिंदी के बच्चों के लिए, कर्नाटका राज्य इसकी मेजबानी करेगा 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का संस्करण। इसका आंसर है सेकेंड, दूसरा। अगला क्वेश्चन, हु बैग्ड द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। हिंदी के बच्चों के लिए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। इसका आंसर है अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। हिंदी के बच्चों के लिए, जल शक्ति के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन हैं। इसका आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, इसरो रिसेंटली एमर्ज्ड सक्सेसफुली इन लॉन्चिंग ब्राजील्स अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट। अमेजोनिया फर्स्ट हैज मिशन लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। हिंदी के बच्चों के लिए, इसरो हाल ही में ब्राजील के अमेजोनिया पहला उपग्रह को लॉन्च करने में सफल रहा है। तो अमेजोनिया पहला में वर्षों का मिशन है। इसका आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लाइफ डे 2021। हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व वन्य जीव दिवस 2021 का विषय है। इसका आंसर है फॉरेस्ट एंड लवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट, वन और आजीविका, लोगों और ग्रह का बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, द लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी चैनल्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड डैश। हिंदी के बच्चों के लिए, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनलों को एक ही इकाई में मिला दिया गया है, जिसे कहा जाता है। इसका आंसर है संसद टीवी। अगला क्वेश्चन, QS World University Ranking by Subject 2021 was released recently. IIT Madras secured 38th rank in the world for which subject? हिंदी के बच्चों के लिए, विषय 2021 द्वारा QS World University Ranking हाल ही में जारी की गई थी। IIT Madras ने किस विषय के लिए दुनिया में 30वां रैंक हासिल किया है। इसका आंसर है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग।
अगला क्वेश्चन, मैरी कॉम वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी अंडर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन रिसेंटली। हिंदी के बच्चों के लिए, मैरी कॉम को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के तहत निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है चैंपियंस एंड वेटरन्स कमिटी, चैंपियन और वयोवृद्ध समिति। अगला क्वेश्चन है, इन द म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ 2020 विच सिटी टॉप्ड इन म्युनिसिपालिटीज हैविंग ओवर अ मिलियन पॉपुलेशन। हिंदी के बच्चों के लिए, 2020 के म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले नगर पालिकाओं में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसका आंसर है इंदौर। अगला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021। हिंदी के बच्चों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय। इसका आंसर है वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। नेतृत्व में महिलाएं, एक कोविड-19 दुनिया में एक समान भविष्य प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर वॉन द BBC's एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, सी इज एसोसिएटेड विथ डैश। मनु भाकर ने BBC के एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, वह डैश से जुड़ी हुई है। इसका आंसर है शूटिंग। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एसोसिएटेड विथ मैत्री सेतु। हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैत्री सेतु से संबंधित है? इसका आंसर है फेनी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन टॉप्ड इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर है? इसका आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। हिंदी के बच्चों के लिए, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है GP समानता। अगला क्वेश्चन, PM मोदी हैज लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। हिंदी के बच्चों के लिए, पीएम मोदी ने भारत की आज़ादी के 75वां साल पूरे होने के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है? इसका आंसर है अमृत महोत्सव। अगला क्वेश्चन, कोनेरू हम्पी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। हिंदी के बच्चों के लिए, कोनेरू हम्पी के किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर है चेस। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वैक्सीनेशन डे 2021 ऑब्जर्व्ड ऑन डैश, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2021 डैश को मनाया गया। इसका आंसर है 16 मार्च। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर एवर इन मेंस क्रिकेट टू स्कोर 3000 रन्स इन द 2020 इंटरनेशनल। हिंदी के बच्चों के लिए, पुरुष क्रिकेट में 2020 अंतर्राष्ट्रीय में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर है विराट कोहली। सभी बच्चों ने क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट रेगुलरली अपडेट किया जाएगा, इसके आप नोट्स बना लीजिए या हमारे PDF को फॉलो कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो से जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।